মানে আমি পোনপ্ৰথম উই ফ্ৰম আৰ হাৰ্ট এক্সপ্ৰেছ আৱাৰ ডীপ গ্ৰেটিটিউড টু দ্য এক্সিকিউটিভ ডাইৰেক্টৰ আসাম এণ্ড আৰাকান বেচিন যোৰহাট চ' হি ইজ হিয়াৰ আৱাৰ ডিয়েৰ লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ প্ৰীতম কুমাৰ দাস আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ তেখেত আছে আৰু যে আমাৰ কাৰণে এইটো পৰম সৌভাগ্য যে আমি অ' এন জি চিৰ পৰা আজি আমি দুখন খুব অত্যাধুনিক বলেৰ' কোম্পানীৰ আমি দুখন পাইছোঁ হস্পিটেলৰ কাৰণে এখন হৈছে মেলামাটি এম পি চি এইচ আৰু এখন মহিমাবাৰী এম পি চি এইচ আগতেও অ' এন জি চিয়ে আমাক চাৰিখন এম্বুলেঞ্চ দিছে ইন আৰ্লিয়াৰ অকেজন উই ৰিচিভ ফ'ৰ এম্বুলেঞ্চেছ এট এ টাইম হুইচ ৱাজ ইনগ্ৰেটেড বাই আৱাৰ ভেৰি ৰেচপেক্টেড সুষমা ৰাৱতজী চ' উই আৰ ভেৰি থেংকফুল টু অ' এন জি চি এণ্ড উই উইচ দ্য হোল টীম অ' এন জি চি আৱাৰ অল দ্য ভেৰি বেষ্ট থেংক ইউ ভেৰি মাছ আজি তেওঁলোকক ধন্যবাদ দি আমাৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী আমি তালৈ আগবাঢ়িম আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতেও আমি তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহায় সহযোগ পাম ইতিমধ্যে অ' এন জি চিৰ পৰা আমি এখন হস্পিটেলৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আজি আমাৰ ই ডি মহোদয়ে ই আমলোকা ইডি চাহাব হি হেজ গিভিন ইজ কনচেণ্ট তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে এই হস্পিটেলখনৰ কাম হস্পিটেল কা যো কাম হে ও আগে নিকালেগা তো ইছকে লিয়ে ভি টিটাৱৰ বাসী উনকে সে উনকো গভীৰ আভাৰ ব্যক্ত কৰতে হে অৰ মে ভি অপনি তৰফ সে টিটাৱৰ বাসীয়ো সে উনকো ৱেল বিং কে লিয়ে হম ভগৱান কে সামনে প্ৰাৰ্থনা ৰখতে হে যে বহুত ফলে ফুলে অৰ অ' এন জি চি বহুত আগে তৰক্কী কৰে অৰ লোগো কো ইছ তৰহ সেৱা আগে বঢ়ায়ে देखिए ओ एन जी सी और साम का एक बड़ा अटूट संबंध है और उसको और ओ एन जी सी की प्रायोरिटी है हेल्थ एजुकेशन और स्वच्छ पानी ड्रिंकिंग वाटर और उसको देखते हुए अभी आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले ही हम लोग ने सारे जितने भी जोरहाट के पुलिस स्टेशन है उसमें हमने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी लगाया और उसमें जो वहाँ पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो भी उसका फ़ायदा उठाएंगे और आज हम लोग ने ये एम्बुलेंस का लॉन्च किया है ये दोनों प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए है मुझे बहुत ही खुशी है कि ओएनजीसी के साइड से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और ओएनजीसी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है ये दायित्व है ओएनजीसी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि हम लोग इसी तरह के कार्य आगे बढ़ाते रहें ऐसा है अभी हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमने देखा और बरोला में भी बताया है एमएलए साहब ने भास्कर जी ने हमको बताया है और सबसे पहले हम जो करने वाले हैं कि हम कुछ बेड नए तरीके के तुरंत हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर को देंगे और एक ऑक्सीजन प्लांट हम तुरंत लगवाएंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो ऑक्सीजन प्लांट ऐसा रहेगा यहाँ के डॉक्टर्स को मैंने सजेस्ट किया है कि वो बाकी जो आसपास के भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको उस ऑक्सीजन प्लांट से मदद दे सकते हैं उनके भी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं साथ ही साथ बरोला का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको भी हम कैसे अपग्रेड करें उसमें भी कैसे हम फैसिलिटीज दे सकें उसका भी एक प्लान बनेगा और ONGC उसमें सार्थक कार्य करेगा बरोला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो भी हम कोशिश करेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट जो हम यहाँ लगा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे कैपेसिटी का है जो आसपास जितना भी एरिया है मतलब 15-20 किलोमीटर के एरिया में वो जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको वो सर्विस दे सकते हैं अच्छा बड़ा ऑक्सीजन प्लांट आपुनी बिसरा बातरी पाबो केवल News18 ऐपत News18 ऐप डाउनलोड करिबोलै स्कैन करक एक QR कोड Google Play Store তো পাব এই News18 app